एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसे हल्के और छोटे बालों में ब्राइडल बन हेयर स्टाइल। मेरे बाल भी काफ़ी छोटे हैं और हल्के भी हैं अभी फिलहाल में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल के लिए ब्राइडल्स अक्सर मतलब इंडियन वेडिंग में बीच की मांग ही निकालते हैं, क्योंकि सिंदूरदान वगैरह होने वाला रहता है। तो अगर आप साइड चाहो तो साइड से भी बना सकते हो, बट मैं बीच की मांग के साथ आपको हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे बीच की मांग अपनी निकाल ले रही हूँ। ओके, ये बीच की मांग निकालने के बाद से मैं पहले अपना टीका सेट कर लूंगी। जो भी ब्राइडल का टीका हो आप सेट कर दीजिएगा इसको इस तरीके की क्लिप से सेट कर देंगे। ओके, देन आपको जितनी आगे से ट्विस्टिंग करनी है वो हेयर छोड़ देंगे। अगर पल्लू आपको पफ पे रखनी है तो आप डोनेट वगैरह ले सकते हो। अगर आपको पीछे पल्लू रखनी है तो आप डोनेट नहीं लोगे। मैं यहाँ पे विदाउट डोनेट का बना रही हूँ, मतलब विदाउट आर्टिफिशियल पफ ले के बिना मैं ओरिजिनल बालों से अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे सिखा रही हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको आर्टिफिशियल चाहिए, वैसे मैं तो एडवाइस दूंगी कि आप आर्टिफिशियल डोनेट रख लीजिए, क्योंकि ब्राइडल्स को अक्सर वो हेयर स्टाइल पे पल्लू सेट करना होता है। तो ये मैंने ले लिया, इस तरीके से हल्का सा पफ का लुक देंगे बालों को, हल्का हल्का सा खींच देंगे इस तरीके से। ओके, इसके बाद आप टिक टैक क्लिप या किसी भी क्लिप से आप सेट कर दीजिए, बॉबी क्लिप से। बाल अक्सर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हेयर बीच से फट जाते हैं। तो आपको ऐसे स्प्रे लगा के या फिर ऐसे जुड़ा, जैसे मान लीजिए ये वाला हेयर मेरा इधर आ गया, तो आप इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे जुड़ा पिन अटैच कर दीजिए और इसको स्प्रे, ये वाला स्प्रे मैंने मीशो से मंगाया था। स्प्रे कोई भी स्प्रे ले लीजिए, उसको ऐसे मार के ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे। थोड़ी देर के बाद आप जब निकालोगे तो ये अच्छे से सेट हो गया रहेगा आपके बालों में। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, जो आपके फ्रंट का हेयर है इसको आप ट्विस्ट कर लोगे, या फिर आप चाहो तो फ्रेंच ब्राइड बना सकते हो। हल्का हल्का इसको खींचेंगे, साइड से आप थोड़े से लेयर्स निकाल लीजिएगा, इसको कर्ल्स कर दोगे तो और भी प्यारा लगेगा ब्राइडल का लुक। ओके, मेरे फ्लिक्स कट्स बहुत ही शॉर्ट हैं तो निकल भी सकते हैं, तो ज़्यादा ना खींचे। उसके बाद से फिर से टिक टैक क्लिप लीजिए और इसको अपना बन के साथ अटैच कर दीजिए। ओके, सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी करोगे। ओके, फिर इसको भी आप अपने बन के पास
ठीक ठाक क्लिप से सेट कर दोगे तो ये हमारा फ्रंट का लुक हो गया। अभी ये वाला हेयर आपका सेट हो चुका होगा तो मैंने यहाँ पे क्लिप निकाल दी है। देन फिर यार स्प्रे मार लीजिए ताकि आपका हेयर स्टाइल बिगड़े ना। अभी जो बैक के हेयर है इसको एक पोनी बना लेंगे। आपको दुल्हन से पूछ लीजिए उनको हाई बन चाहिए या लो बन चाहिए। अगर दुल्हन की हाइट बहुत छोटी है तो आप हाई बन दे सकते हो, और अगर ठीक मीडियम में है तो उनसे पूछ लीजिए मीडियम में हेयर बन दे दीजिए, या फिर अगर लॉन्ग है अगर उनको लो बन चाहिए तो उनके अकॉर्डिंग आप बन को बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ना ज़्यादा हाई कर रही हूँ ना ज़्यादा लो करूँगी, रबर बैंड से इसको सेट करूँगी। उसके बाद से मैंने एक बुनेट लिया है इस टाइप का और इसको अपने बालों में इस तरीके से लगाएंगे। बुनेट के चारों तरफ बालों को फैला देंगे। ओके एक पतली या चौड़ी जो भी आपके पास रबड़ हो उससे आप बाल बुनेट के चारों तरफ लगा दोगे ताकि इस तरीके से बाल इसके अटैच होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका डोनेट सही से दिखे ना, बालों को अच्छे से डोनेट के चारों तरफ फैला दीजिए। ओके बाकी बच्चे बालों को एक साइड से लीजिए और ट्विस्ट करके अटैच कर दीजिए इस डोनेट के चारों तरफ, और जुड़ा पिन की मदद से इसको सेट कर दीजिए। अच्छे से चार पांच जुड़ा पिन लगा दीजिएगा। उसके बाद से आप गजरा सेट कर सकते हैं। ब्राइडल को गजरा सेट करना ही पड़ता है, काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो मैंने ये गजरा लिया था, इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट करूँगी। बीच में यहाँ पे लगाएंगे, क्लिप पे सूझी हुई है और उसके चारों तरफ तो मैंने ऐसे ही दुपट्टा लिया था तो वो मैं ऐसे रख के आपको दिखा दे रही हूँ। बाकी आप ब्राइडल हैं तो ब्राइडल वाला दुपट्टा ही यूज करेंगे और ये काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है इस तरीके से, और नेट रहेगा तो ये आपका बन भी दिखेगा अच्छे से। ओके तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो और इस तरीके से आप हेयर स्टाइल बना पाओगे ब्राइडल के। पसंद आई हो वीडियो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का हेयर निकल जाए और पूरा हेयर स्टाइल बन चुका है तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाओगे और जैसे ये जुड़ा पिन में मैंने ले लिया। ओके और जुड़ा पिन को इस तरीके से सेट कर देंगे और यहाँ से अगर तो इस तरीके से आपका ये ठीक हो जाएगा अगर कोई हेयर निकल जाए तो। बाकी मैंने थोड़ा सा मैसी सा बन बनाया है। आपको कैसा लगा जरूर बताएगा। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल की वीडियोज लेके आने वाली हूँ, क्रिम्पिंग करके ब्राइडल बन हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं सब कुछ, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आऊँ।